नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रोशनी रहांगड़ाले और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। चलिए देखते आज की कुछ खास खबरें। सिनेमा डे पर ब्रह्मास्त्र की बम्पर कमाई। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने रिलीज डे तीसरे शुक्रवार को लगभग 11 करोड़ रुपए का कारोबार करके निर्माताओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अयान मुखर्जी निर्देशित इस फिल्म को नेशनल सिनेमा डे का अच्छा लाभ मिला। फिल्म का कारोबार अब 250 करोड़ के पास पहुंच गया है। हालांकि अभी भी मेकर्स के चेहरे से चिंता की लकीरें मिटी नहीं है, क्योंकि फिल्म 410 करोड़ के बजट में बनी है और इसे हिट होने के लिए करीब 720 करोड़ का कारोबार करना आवश्यक है। शुक्रवार की कमाई मिलाकर फिल्म का कुल कलेक्शन 241 करोड़ रुपए भारत में हुआ है। खबरों को मुताबिक नेशनल सिनेमा डे पर करीब 13 लाख लोगों ने थिएटर में ब्रह्मास्त्र देखी है। दरअसल मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 23 सितंबर शुक्रवार को नेशनल सिनेमा डे मनाया है। देश भर की 4000 से ज़्यादा स्क्रीन पर हर फिल्म का टिकट 75 रुपये का था। सांगली में डिजिटल डिटॉक्स का अनूठी पहल। उत्साह से लाभ ले रहे थे गांव के लोग। जीवन के दैनिक डिजिटल व्यवस्थाओं को रोकने के लिए राज्य के एक गांव में इवनिंग डिटॉक्स का विकल्प चुनने की अनोखी पहल की है। सांगली जिले का यह गांव अपने निवासियों को हर शाम डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए प्रेरित करते हैं। आधुनिक जीवन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवश्यकता से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं। क्या है पहल? स्थानीय मंदिर से शाम 7 बजे एक सायरन बजता है, जो लोगों को अपने मोबाइल और फोन अन्य उपकरण एक तरफ रखने की सूचना देते हैं। टेलीविजन सेट आदि को बंद करने का तथा किताबों को पढ़ने का और एक दूसरे से बात करने का संकेत देता है, जबकि दूसरा अलार्म 7:30 बजे बजता है, जो डिटॉक्स अवधि के समाप्त होने का संकेत देता है। संभव है मोबाइल टीवी स्क्रीन से दूर रहना? मोहित ने कहा, शुरू में लोगों को झिझक हुई थी, क्या मोबाइल और टीवी स्क्रीन से दूर रहना संभव है? स्वतंत्रता दिन पर हमने महिलाओं के एक समग्रता बनाई और एक सायरन खरीदने का फैसला किया। तब डिजिटल डिटॉक्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सेविका, ग्राम पंचायत कर्मचारी और सेवाकर्तियों ने शिक्षक ने हर घर जा के सरपंच ने कहा कि गांव को सामाजिक बनाने रखने के लिए जाना जाता है। यहां हमेशा विकास कार्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत ने सनरा में पाकिस्तान पर किया पलटवार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए भारत ने कहा कि जो देश अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाह रहे हैं, वह कभी सीमा पर आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेगा। वह मुंबई के 16/11 को हुए बगायत मामलों के साजिशवारा को पनाह नहीं देता। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की 26/11 को हमलावरों के अपने मुल्क में होने की जानकारी विश्व समुदाय के दबाव के बाद दी। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दोस्तों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।